हेलो एवरीवन, आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र साइंस का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है ध्वनि। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, ध्वनि क्या है? ध्वनि एक ऊर्जा का रूप है जो श्रवण की संवेदना पैदा करती है, जो सुनने की संवेदना पैदा करती है। ध्वनि तरंगों के रूप में गमन करती है। ध्वनि कंपयमान वस्तुओं से उत्पन्न होती है और पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है वो क्या कहलाता है? तो माध्यम। पदार्थ जिसमें होकर ध्वनि गमन करती है वह माध्यम कहलाता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं। ध्यान में रखिएगा, जो ध्वनि तरंगे हैं वो कौन सी तरंगे कहलाती हैं? यांत्रिक तरंगे, क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम ठोस, द्रव या गैस आवश्यक होता है। ध्वनि की चाल, इसके बारे में देख लेते हैं। ध्वनि की चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। गैसों में ध्वनि जो है अत्यंत धीमी गति से, तो गैस में ध्वनि का जो चाल होता है अत्यंत मतलब कि धीमा होता है, धीमा गति से जो है यह गमन करती है। द्रवों में जो है तीव्र गति से और ठोसों में सबसे ज्यादा मतलब तीव्रतम गति से जो है गमन करती है। तो ध्यान रखिएगा, जो ध्वनि है गैसों में कम, द्रव में उससे ज्यादा और ठोस में सबसे ज्यादा जो है तेज गति से गमन करती है। ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। ध्वनि की चाल तापमान पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु का तापमान बढ़ता है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती जाती है। अतः वायु में ध्वनि की चाल ठंडे दिनों की अपेक्षा गर्म दिनों में अधिक होती है। बात को ध्यान रखिएगा, ध्वनि की चाल वायु की आर्द्रता पर निर्भर करती है। जैसे जैसे वायु की आर्द्रता बढ़ती है उसमें ध्वनि की चाल भी बढ़ती है। स्पष्ट है कि ध्वनि शुष्क वायु में धीमी गति से और आर्द्र वायु में तीव्र गति से गमन करती है। इसके बाद विभिन्न माध्यमों में ध्वनि का चाल दिया गया है। तो जो इंपॉर्टेंट है आप ध्यान रखिएगा, जैसे मतलब कि जो ध्वनि का चाल है किन माध्यमों में, मतलब कि जो माध्यम है उनमें ध्वनि की चाल कितना है। तो देखिए, जैसे वायु है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर ध्वनि की चाल जो है वह है 331 मीटर प्रति सेकेंड। वायु जो 22 डिग्री सेंटीग्रेड पे है, वायु जो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे था वो ध्वनि की चाल उसमें 331 मीटर प्रति सेकेंड था, और जब 22 डिग्री सेंटीग्रेड होता है वायु का तापमान तो इसमें ध्वनि का चाल 344 मीटर प्रति सेकेंड होता है। हाइड्रोजन जो है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, इसमें ध्वनि की चाल 1284 मीटर प्रति सेकंड है। वहीं समुद्री जल जिसका टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इस पे जो ध्वनि का चाल होगा इसमें 1531 मीटर प्रति सेकंड। एल्युमिनियम में ध्वनि का जो चाल है 6420 मीटर प्रति सेकंड है, और लोहा पर जो है यानी जब लोहा का जो टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड, इस पे जो ध्वनि की चाल होगा 5950 मीटर प्रति सेकंड, और स्टील में 5960 मीटर प्रति सेकंड। सबसे ज्यादा स्टील में जो है ध्वनि का चाल ज्यादा है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद ध्वनि की आवृत्ति परिसर है, इसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। ध्वनि तरंगों को उनके आवृत्ति परिसर के आधार पर निम्न तीन भागों में विभाजित किया जाता है। पहला है श्रव्य तरंगे, जिसे हम ऑडिबल वेव्स कहते हैं। देखिए, जो श्रव्य तरंगे हैं यानी सुनने वाली जो तरंगे हैं, मनुष्यों में ध्वनि की श्रव्यता का जो परिसर होता है लगभग 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। ध्यान रखिएगा, आप वही ध्वनि सुन सकते हैं जिसका जो परिसर होता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच हो। मनुष्य जो है 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की तरंगे नहीं सुन सकता है, क्योंकि ये तरंगे कान के पर्दे को संवेदित नहीं कर पाती हैं। 20,000 से जो 20,000 हर्ट्ज है, इससे अधिक आवृत्ति की तरंगों की आवृत्ति इतनी अधिक होती है कि कान के पर्दे का दोलना मतलब दोलन जो होता है इतना अधिक नहीं हो पाता है कि वह इन तरंगों को ग्रहण कर सके। तो 20,000 हर्ट्ज से बाद यानी 20,000 हर्ट्ज के बाद या 20 हर्ट्ज से कम कोई भी जो है मनुष्य इस ध्वनि को नहीं सुन सकता है। तो जो श्रव्य मतलब कि जो ध्वनि है जिनको सुना जा सकता है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच ही, तो मतलब इसको ध्यान रखिएगा। इसके बाद है जो है अश्रव्य तरंगे, इंफ्रासोनिक वेव्स। तो अश्रव्य जो तरंगे हैं 20 हर्ट्ज से कम आवृत्ति की ध्वनियों को जो है अश्रव्य यानी इंफ्रासोनिक वेव्स कहते हैं। जैसे व्हेल, गैंडा, हाथी,
ये जो है इस ध्वनि को सुन सकते हैं, यानी जो व्हेल है, गैंडा है, हाथी है, अपश्रव्य ध्वनि परिसर की ध्वनियां ये जो है उत्पन्न करते हैं। प्रायः यह देखा गया है कि कुछ जंतु भूकंप से पूर्व परेशान हो जाते हैं। वास्तव में भूकंप जो है मुख्य प्रघाती तरंगे यानी मेन शॉक वेव से पहले निम्न आवृत्ति की अपश्रव्य ध्वनि जो है उत्पन्न करते हैं, जो संभवतः जंतुओं को सावधान कर देती है। इसके बाद है प्राश्रव्य तरंगे यानी अल्ट्रासोनिक वेव्स, 20,000 हर्ट्ज से या 20 किलो हर्ट्ज से अधिक आवृत्ति की ध्वनियों को जो है प्राश्रव्य या अल्ट्रासोनिक वेव्स कहते हैं या प्राध्वनि कहते हैं। डॉल्फिन, चमगादड़ जैसे जंतु जो है प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। प्राध्वनि के अनुप्रयोग जो अनुप्रयोग है ये क्या है? प्राध्वनि के अनुप्रयोग में पहला दिया गया है कि प्राध्वनि जो है उच्च आवृत्ति की तरंगे हैं, ये अवरोधों के उपस्थिति में भी एक निश्चित पथ पर गमन कर सकती हैं। उद्योगों या चिकित्सा के क्षेत्र में भी प्राध्वनि का व्यापक उपयोग किया जाता है। प्राध्वनि को हृदय के विभिन्न भागों से जो है प्रावर्तित कराकर हृदय का प्रतिबिंब बनाया जाता है और इस तकनीक को इकोकार्डियोग्राफी यानी ईसीजी कहते हैं। ईसीजी का प्रयोग कहां पे है ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार यह पूछा जा चुका है। प्राध्वनि का जो उपयोग है गुर्दे की छोटी पथरी को बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी किया जाता है। जो अल्ट्रासोनिक वेव्स है इनका प्रयोग जो है चिकित्सा के क्षेत्र में ज्यादा किया जाता है। तो गुर्दे की जो छोटी पथरी होती है इनको मतलब कि महीन कणों में, बारीक कणों में तोड़ने के लिए भी प्राध्वनि का उपयोग किया जाता है। ये कण बाद में जो होता है मूत्र के साथ बाहर निकल जाते हैं, तो इस तरह से चिकित्सा के योगदान में इसका अहम भूमिका होता है। इसके बाद है सोनार। सोनार क्या होता है? तो देखिए सोनार जो होता है साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, ठीक है। तो सोनार एक ऐसी युक्ति है जिसमें जल में स्थित पिंडों की दूरी, दिशा और चाल मापने के लिए प्राध्वनि तरंगों का उपयोग किया जाता है। और मात्रक है डेसिबल ध्वनि को, जो मात्रक है डेसिबल ध्वनि के स्तर का मात्रक है, और विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 45 डेसिबल तक की ध्वनि को जो है कण प्रिय एवं मानवीय स्वास्थ्य के लिए सर्वाधिक सुरक्षित बताया है। प्रतिध्वनि क्या है? किसी प्रावर्तक वस्तु जैसे किसी इमारत या किसी पहाड़ के निकट जोर से चिल्लाने या ताली बजाने पर कुछ समय पश्चात वही ध्वनि फिर से सुनाई देती है, तो पुनः सुनाई देने वाली इस ध्वनि को प्रतिध्वनि कहते हैं। इको साउंड आपने सुना होगा, उसी को कहते हैं। हमारे मस्तिष्क में ध्वनि की संवेदना लगभग 0.1 सेकंड तक बनी रहती है, अतः स्पष्ट जो प्रतिध्वनि है इनको सुनने के लिए मूल ध्वनि और प्रावर्ती ध्वनि के बीच कम से कम 0.1 सेकंड का समय अंतराल अवश्य होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद इस पे आधारित जो पहला प्रश्न है इसको देख लेते हैं। पहला जो क्वेश्चन है आपको पूछा गया है, आपसे पूछा गया है कि इसमें कौन सा जो है कि माध्यम जो है जैसे जल, इस्पात, नाइट्रोजन, इसमें ध्वनि की चाल का जो आरोही क्रम है इसमें आपको मतलब कि इसको मतलब कि जो सबसे ज्यादा है या उससे कम इस तरह से जो है आपको बताना है। तो माध्यम को बताना है कि इसमें किसमें जो है ध्वनि की चाल को जो है आरोही क्रम में रखने पे ऑप्शन आपका सही होगा। तो देखिए बी ऑप्शन आपका सही जवाब है, पहले नाइट्रोजन, देखिए नाइट्रोजन, इसके बाद जल और इसके बाद इस्पात। तो इसमें सॉरी आरोही क्रम में पूछा गया है, न कि आरोही, तो आरोही क्रम में यानी सबसे कम उसके बाद। तो इस्पात में सबसे ज्यादा ध्वनि का जो है चाल ज्यादा होता है, तो आपका ध्वनि जो है लास्ट में सबसे कम नाइट्रोजन यानी लिक्विड, इसके बाद जल और इसके बाद आपका इस्पात में। तो जो आरोही क्रम है बी ऑप्शन आपका सही होगा। ध्वनि की गति देखिए भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है। ठोसों में ध्वनि की गति सबसे ज्यादा होता है जबकि गैसों में न्यूनतम होता है। सामान्यतः ताप और दाब पर वायु में ध्वनि का जो वेग होता है लगभग 331 मीटर प्रति सेकंड होता है। ध्वनि का वेग माध्यम के घनत्व पर निर्भर करता है, जिस माध्यम का घनत्व अधिक होगा उसमें ध्वनि का चाल भी अधिक होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है किसमें? तो आपको मालूम है सबसे मतलब कि निम्नतम कह सकते हैं या सबसे कम जो ध्वनि का वेग होता है किसमें होता है? तो गैस में, इसके बाद द्रव्य में, इसके बाद ठोस में, ठीक है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा, धातु में ध्वनि का जो वेग है सबसे ज्यादा होता है। क्वेश्चन नंबर जो थर्ड है, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है, तो सेम क्वेश्चन है आपको मालूम है इस्पात में। और ध्वनि का चाल उस माध्यम की प्रकृति पर निर्भर करती है जिसमें होकर वह गमन करती है। ध्वनि की चाल भिन्न भिन्न माध्यमों में भिन्न भिन्न होती है, जैसे
गैसों में ध्वनि जो है अत्यंत धीमी गति से, द्रव में तीव्र गति से और ठोस में तीव्रतम गति से गमन करती है। ध्वनि जो है निर्वात में गमन नहीं कर सकती है। ध्वनि वायु की अपेक्षा स्टील में लगभग 15 गुना तीव्र गति से गमन कर सकती है। तो स्पष्ट है कि ध्वनि का वेग जो होता है इस्पात में अधिक होगा। 4 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगों का सबसे तीव्र प्रगमन होता है किसमें? तो ठोस में। क्वेश्चन नंबर 5 है, यदि VA, VW और VS क्रमशः वायु, जल और इस्पात में ध्वनि की गति है तो इसमें कौन सा ऑप्शन आपका सही जवाब होगा? तो देखिए आपको मालूम है इस्पात में सबसे ज्यादा, इसके बाद वायु में, उससे कम मतलब वायु से मतलब इन सबसे कम जो होता है गैस में। ध्वनि का जो मतलब की गति होता है सबसे कम किसमें होता है? गैस में। ठीक है, तो इसमें ए ऑप्शन आपका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है, लगभग 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पर किस माध्यम में ध्वनि की गति अधिकतम रहेगी? तो सही जवाब होगा लोहा, डी ऑप्शन। ध्वनि की गति माध्यम के घनत्व एवं प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। ध्यान रखिएगा, ध्वनि की गति जो है माध्यम के घनत्व और प्रत्यास्थता पर निर्भर करता है। जिस माध्यम का घनत्व एवं प्रत्यास्थता अधिक होती है उसमें ध्वनि की गति अधिक होती है, और 20 डिग्री सेंटीग्रेड के तापक्रम पे लोहे में ध्वनि की गति अधिकतम होगी। 7 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे जो है ठोस और गैस दोनों माध्यमों में चल सकती हैं। ठीक है, तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए ध्वनि तरंगों के संचरण के लिए किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। ध्वनि तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यमों में चल सकती है। ध्वनि तरंगों का वेग जो होता है ठोस में अधिक होता है, यानी सबसे ज्यादा, द्रव में उससे कम और गैस में उससे भी कम। हवा में ध्वनि का जो वेग है 0 डिग्री सेंटीग्रेड पे वो है 331 मीटर प्रति सेकेंड, तो इसके बारे में हम लोगों ने ऑलरेडी जो है डिस्कस कर लिया है। जल में जो ध्वनि का चाल है 1400 मीटर प्रति सेकेंड है, और लोहे में 5000 मीटर प्रति सेकेंड होता है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, वायु में ध्वनि तरंग होती है, तो वायु में ध्वनि तरंग होती है बताइए अनुदैर्ध्य के रूप में, बी ऑप्शन। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे कहलाती हैं क्योंकि उनके संचरण के लिए द्रव्यात्मक माध्यम होता है, जैसे ठोस, द्रव या गैस या वायु, इनकी आवश्यकता होती है। वायु या गैस में ध्वनि तरंग जो तरंगे हैं ये क्या होती हैं? अनुदैर्ध्य होती हैं, क्योंकि इस माध्यम के घटक तरंग की गति के दिशा के अनुदिश दोलन करते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है, नीचे दिए गए विकल्पों में से किसमें ध्वनि आर पार नहीं जा सकती है, आर पार नहीं कर सकती है? वह है निर्वात। निर्वात में ध्वनि का गमन नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है, ध्वनि तरंगे नहीं चल सकती है किसमें? सेम क्वेश्चन है, निर्वात में। निर्वात में ध्वनि का जो है गमन नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 11 है, म्यूजिक कंसर्ट्स के लिए हॉल की दीवारों को क्या किया जाता है? तो ध्वनि का अवशोषण जो है इसमें करना चाहिए, यानी जो म्यूजियम कंसर्ट्स के दीवार होते हैं उनमें खुदरा बनाया जाता है ताकि ध्वनि को ऑब्जर्व करे, यानी इको उसमें न हो। तो डी ऑप्शन आपका सही जवाब होगा। देखिए अधिकतर ठोस एवं कठोर सतह जो है ध्वनि को परावर्तित कर देती है, जबकि कोमल या नरम सतह ध्वनि को अवशोषित कर लेती है। यदि म्यूजियम कंसर्ट्स के लिए निर्मित हॉल की दीवारें ध्वनि को परावर्तित करेंगी तो श्रोताओं की प्रतिध्वनि यानी इको सुनाई पड़ेगी। अतः प्रतिध्वनि को रोकने के लिए कंसर्ट्स हॉल की दीवारें जो हैं या छत नरम पदार्थों जैसे फाइबर ग्लास की बनाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हमारा 12 है, स्पष्ट रूप से प्रतिध्वनि सुनने के लिए परावर्तित सतह और सुनने वालों के मध्य कम से कम दूरी जो होनी चाहिए वो कितनी? तो 16.5 मीटर, यानी सुनने वाले और जो कहते हैं कि जो ध्वनि है जहां से प्रवर्तित सतह है जो प्रावर्तित होती है जहां से वहां से वापिस आता है, तो प्रावर्तित सतह और सुनने वाले के मध्य कम से कम 16.5 मीटर की दूरी होनी चाहिए। देखिए जब कोई ध्वनि होती है तो उसकी संवेदन हमारे दिमाग में 1/10 सेकेंड तक बनी रहती है, यानी 0.1 सेकेंड। मनुष्य का कान केवल उन्हीं दो ध्वनियों के बीच विभेद कर सकता है जो उसे जो है न्यूनतम 1/10 सेकेंड के समय अंतराल पर सुनाई दे। प्रतिध्वनि सुनाई देने के लिए आवश्यक है किसी श्रोता से या स्रोत से जो है उत्पन्न ध्वनि आगे जाकर किसी वस्तु से टकराकर कम से कम 1/10 सेकेंड में स्रोत के पास वापस लौटे। वायु में ध्वनि का वेग जो होता है लगभग 330 मीटर प्रति सेकेंड, और 1/10 सेकेंड में ध्वनि के द्वारा चली गई न्यूनतम दूरी होता है 330 इंटू
1/10 तो 33 मीटर होगा। प्रति ध्वनि सुनने के लिए प्रावर्तक सतह से ध्वनि के स्रोत की जो न्यूनतम दूरी है कितना होना चाहिए, तो लगभग 17 मीटर या 16.5 मीटर कह सकते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, ध्वनि के स्रोत व प्रावर्तक सतह के बीच न्यूनतम कितनी दूरी होनी चाहिए जिससे कि प्रतिध्वनि स्पष्ट रूप से सुनाई दे सके। तो आपको मालूम है लगभग 17 और स्पष्ट रूप से बताया जाए तो 16.5 मीटर। क्वेश्चन नंबर 14 है, ध्वनि का वायु में वेग अनुमानतः है कितना, तो ध्वनि का जो वायु में जो ध्वनि है इसका वायु में जो वेग है अनुमानतः 330 मीटर प्रति सेकेंड है, इसके बारे में हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 15 है, चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात नहीं सुन सकते हैं, तो चंद्रमा के धरातल पर दो व्यक्ति एक दूसरे की बात क्यों नहीं सुन सकते, बताइए क्यों नहीं सुन सकते, क्योंकि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है। और आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16 है, एक अंतरिक्ष यात्री अपने सहपाठी को चंद्रमा की सतह पर सुन नहीं सकता, क्यों। आपको मालूम है ध्वनि देखिए प्रचारित करने का माध्यम, मतलब कि वहां पे सबसे पहले अगर बात किया जाए तो ध्वनि को प्रचारित करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है, या ठोस हो, द्रव हो, या गैस हो, ठीक है। पर जो चंद्रमा है वहां पे वायुमंडल ही नहीं है, तो जो प्रचारित करने का माध्यम ही नहीं है, तो वहां पर ध्वनि जो है एक दूसरे को सुनाई नहीं दे सकती है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। और क्वेश्चन नंबर 17 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। पहला है, कम लंबाई की बांसुरी से, जो कम लंबाई की जो बांसुरी होती है इससे निम्न आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होती है। और दूसरा है, ध्वनि शैलों में से केवल अनुदैर्ध्य प्रत्यास्थ तरंगों के रूप में प्रगामी होती है। तो देखिए इनमें से कोई सही नहीं है। कैसे सही नहीं है देख लेते हैं। अधिक लंबी बांसुरी से अधिक बड़ी तरंग दैर्ध्य वाली ध्वनि तरंगे उत्पन्न होती है, क्योंकि किसी तरंग की आवृत्ति उसके तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती होती है। अतः कम लंबाई की बांसुरी से उच्च आवृत्ति की तरंगे उत्पन्न होगी। इस प्रकार कथन ए सही नहीं है। गैस, प्लाज्मा और तरल में ध्वनि तरंगे अनुदैर्ध्य तरंगों के रूप में प्रगामी होती है, जबकि ठोस जैसे सेल इत्यादि में यह अनुदैर्ध्य तथा अनुप्रस्थ दोनों तरंगों के रूप में प्रगामी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 18 है, प्रश्रव्य तरंगों के बारे में निम्नांकित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, ये कीड़ों को नष्ट कर सकती है। दूसरा, ये कपड़ों से धूल हटाकर उन्हें साफ कर सकती है। तीसरा है, इनका उपयोग बीमारियों के उपचार के लिए किया जा सकता है। और चौथा, यह स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित कर सकती है। तो प्रश्रव्य तरंगों के बारे में आपको बताना था, इनमें बताइए कि जो प्रश्रव्य तरंगे है इनमें किसको जो है मतलब कि सही फुलफिल कर रहा है। तो प्रश्रव्य तरंगों के बारे में अगर बात किया जाए तो ये चारों जो ऑप्शन है मतलब कि चारों जो स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है। तो सही आप मतलब कि डी ऑप्शन होगा, सभी सही होंगे। और इसके बारे में देख लेते हैं, ध्वनि तरंगे तीन प्रकार की होती है। श्रव्य तरंगे जिनकी आवृत्ति 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होती है, अश्रव्य ध्वनि तरंगे की आवृत्ति 20 हर्ट्ज से कम होती है, प्रश्रव्य जो ध्वनि तरंगे इनकी आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है, मनुष्य की श्रवण क्षमता से परे होती है। जो मतलब कि जो अश्रव्य तरंगे हैं या जो अश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं या जो प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे हैं या जो है मनुष्य के श्रवण क्षमता से परे हैं, इनका उपयोग संकेत के रूप में, कीड़ों को नष्ट करने में, कपड़े से धूल हटाने में, स्वचालित दरवाजों को नियंत्रित करने में, समुद्र में गहराई की नाप लेने में, छिपी वस्तुओं की खोज करने में, द्रव को गर्म करने में और विविध चिकित्सकीय अनुप्रयोग के लिए किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 19 है, प्रश्रव्य वे ध्वनियां हैं जिनकी आवृत्ति होती हैं, आपको मालूम है 20,000 हर्ट्ज से अधिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 20 नंबर, मनुष्य की श्रव्यता की सीमा क्या है, तो 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज, तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। और क्वेश्चन नंबर 21 है, एक जैव पद्धति जिसमें प्रश्रव्य ध्वनि का उपयोग किया जाता है वह है आपका सोनोग्राफी, ए ऑप्शन। सोनोग्राफी या अल्ट्रासोनोग्राफी चिकित्सीय निदान का जो है एक महत्वपूर्ण साधन है। यह प्रश्रव्य ध्वनि पर आधारित एक चित्रांकन तकनीक है। चिकित्सा क्षेत्र में इसके कई उपयोग हैं, जिनमें गर्भावस्था में गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी की प्राप्ति प्रमुख है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 22 है, चमगादड़ अंधेरी रातों में उड़ सकते हैं और अपना शिकार भी कर सकते हैं, इसका क्या कारण है? इसका कारण है वे पराध्वनि तरंगे निकालते हैं और उन्हीं के द्वारा निर्देशित होते हैं। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। देखिए चमगादड़ जो है उड़ते समय प्राश्रव्य ध्वनि तरंगे उत्पन्न करते हैं। ये ध्वनि तरंगे रडार के द्वारा प्रक्षेपित प्राक जो प्रकाश तरंगे हैं इनके भांति मार्ग की रुकावट से टकराने के बाद उद्गम स्रोत तक लौट आती है। अतः जो चमगादड़ है अपनी संवेदनशील इंद्रियों से संभावित रुकावट की दिशा और दूरी का अनुमान लगा लेते हैं। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्या? प्रश्रव्य ध्वनि तरंगे। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। चार कथन है। पहला कथन है हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है। दूसरा, ध्वनि की गति जो है, ध्वनि का जो वेग है, गति है, जो स्पीड है, गैस में द्रव और ठोस के तुलना में अधिक होता है। आपको मालूम ही है इसके बारे में, हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, अच्छे से किया है। तो आप लोग बताइएगा इसका कमेंट में, मतलब इसको इस क्वेश्चन के संदर्भ में आपको कमेंट करना है कि इसका सही जवाब क्या होगा। तो देखिए हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है, क्या यह सही है? दूसरा, ध्वनि की गति गैस में द्रव और ठोस के तुलना में अधिक होता है, क्या यह सही है? तीसरा है, मैक संख्या ध्वनि की गति वर्धित करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। और चौथा, प्राश्रव्य ध्वनि की आवृत्ति 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो देखिए इसमें जो सही है आपका पहला, तीसरा और चौथा। दूसरा स्टेटमेंट गलत है क्योंकि ठोस में जो ध्वनि है इसकी गति सबसे ज्यादा होती है, न कि गैस में, गैस में सबसे कम होता है। हृदय अपश्रव्य आवृत्ति पर कंपन करता है जिसे सुनने के लिए स्टेथोस्कोप का प्रयोग जो है किया जाता है। तो स्टेथोस्कोप जो है मतलब कि हृदय के कंपन को सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है। ध्वनि की गति जो होता है ठोस में, मतलब जो सॉलिड होता है ठोस, उसमें सबसे ज्यादा होता है। मैक संख्या सामान्यतः किसी पिंड की गति को वर्णित करने के लिए प्रयुक्त की जाती है। वह पिंड ध्वनि की गति या उसके अधिक गति से विचरण कर रहा हो। प्रश्रव्य ध्वनि की जो आवृत्ति होती है 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। तो पहला, तीसरा और चौथा आपका सही स्टेटमेंट है। 24 नंबर है, प्राध्वनिक जेट की उड़ान के कारण क्या होता है? प्राध्वनिक जेट, इसकी उड़ान के जो कारण होता है वह होता है ओजोन लेयर में बाधा। देखिए जो विमान अग्रभाग से वायु को खींचकर पिछले भाग के दहन कक्ष में ईंधन को जलाकर पीछे से वाष्प गैस की तीव्र धारा प्रवाहित करते हुए अत्यंत तीव्र गति से आगे बढ़ते हैं वे जेट विमान कहलाते हैं। जो जेट विमान है, विमान जो है ये ध्वनि से भी तीव्र गति से उड़ान भरते हैं, उन्हें सुपरसोनिक जेट विमान कहा जाता है। समताप मंडल में वायु विरल एवं दबाव कम होता है, इस कारण यहाँ जेट विमान सरलता एवं तीव्र गति से उड़ते हैं। सुपरसोनिक जेट विमानों के ईंधन दान से निकलने वाले नाइट्रोजन के ऑक्साइड समताप मंडल की ओजोन परत को जो है नुकसान पहुंचाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 है, कथन ए, समुद्र तल के निकट मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुवान की चाल की जो तुलना है, इसमें 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर मैक संख्या 1 पर जा रहे वायुवान की जो है चाल अधिक होती है। दूसरा, इसमें जो कारण दिया गया है, ध्वनि की गति परिवर्तित माध्यम के ताप पर निर्भर करती है। तो बताइए इसमें कौन सा सही होगा? देखिए इसमें डी ऑप्शन आपका सही जवाब है, ए गलत है और आर सही है। कैसे? जो सुपरसोनिक बॉडीज है, जो प्राध्वनिक पिंड है, इनकी चाल मैक संख्या में व्यक्त किया जाता है। किसी प्राध्वनिक यान की मैक संख्या प्राध्वनिक यान की चाल और वातावरण के तापमान पर ध्वनि की चाल के अनुपात के बराबर होती है। क्योंकि ध्वनि की चाल तापमान के बढ़ने से बढ़ती है, इसीलिए समुद्र तल की अपेक्षा 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर तापमान के कम होने के कारण ध्वनि का वेग कम हो जाएगा। और 15 किलोमीटर की ऊंचाई पर भी यदि वायुवान की मैक संख्या 1 है तो ध्वनि के वेग के वहां कम होने के कारण यान का जो है वेग भी कम हो जाएगा। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है, ध्वनि की गति तापमान के समानुपाती होती है। 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान के बढ़ने से ध्वनि का जो वेग है 0.61 मीटर प्रति सेकंड बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए कथन गलत है जबकि कारण सही है। 26 नंबर क्वेश्चन है, डेसिबल किसमें, मतलब जो डेसिबल है किसे मापने के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो डेसिबल का किसको मापने के लिए प्रयोग किया जाता है? तो डेसिबल जो है यह वातावरण में ध्वनि को मापने के लिए प्रयोग होता है। तो सी ऑप्शन आपका सही जवाब है। 27 नंबर है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। तो सेम क्वेश्चन है, ध्वनि के तीव्रता नापने में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 28 है, डेसिबल इकाई का प्रयोग किससे मतलब मापने में होता है? तो आपको मालूम ही है ध्वनि की तीव्रता को मापने के लिए डेसिबल इकाई का प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 29 है, जब दो लोग आपस में बात करते हैं तब कितने डेसिबल ध्वनि उत्पन्न करते हैं? तो लगभग 30 डेसिबल। देखिए ध्वनि की तीव्रता को डेसिबल में मापते हैं, ठीक है। तो ध्वनि के स्रोत और तीव्रता यानी डेसिबल में देख लेते हैं। जो लोग फुसफुसाहट करते हैं यानी फुसफुसाते हैं उनकी जो ध्वनि की तीव्रता होता है कितना डेसिबल होता है? तो 15 से 20 डेसिबल के बीच। साधारण बातचीत होता है जो नॉर्मल आप कन्वर्सेशन करते हैं उनका जो तीव्रता होता है वो 30 से 60 डेसिबल में होता है। गुस्से में अगर बातचीत करते हैं तो उसका तीव्रता होता है जो मतलब कि जो ध्वनि होता है 70 से 80 डेसिबल के बीच। ट्रक मोटरसाइकिल से जो आवाज निकलते हैं उनका जो डेसिबल में तीव्रता होता है 90 से 95 डेसिबल। यंत्र कारखाने से जो शोरगुल होता है 100 से 110 डेसिबल। और ऑर्केस्ट्रा होता है इनका जो ध्वनि का जो चाल होता है 110 से 120 डेसिबल में। और जेट विमान जो है इनमें जो ध्वनि उत्पन्न होता है 140 से 150 डेसिबल के बीच, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, 100 डेसिबल का नॉइस का प्रबलता स्तर संगत होगा? जो 100 डेसिबल का जो आवाज है नॉइज है शोरगुल है इसका प्रबलता स्तर संगत होगा यंत्र कारखानों के शोर से, यानी डी ऑप्शन। इतना तीव्र गति से यानी शोरगुल जो आवाजें आती हैं तो कारखानों से ही आएगी 100 डेसिबल के आसपास। क्वेश्चन नंबर 31 है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार एक नगर के लिए सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर कितना है? तो इसमें सही जवाब होगा अब बताइए 45 डेसिबल। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा किसी नगर के लिए निर्धारित किया गया सुरक्षित ध्वनि प्रदूषण स्तर जो है जो प्रदूषण मतलब कि जो साउंड पॉल्यूशन है वो है 45 डेसिबल, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, मनुष्यों के लिए शोर की सही सीमा करीब करीब कितना होती है? तो जो नॉइज होता है इसका जो सीमा होगा करीब करीब कितना? तो मनुष्यों के लिए जो है 85 डेसिबल। साधारण बातचीत में ध्वनि का जो तीव्रता का स्तर होता है वो होता है 30 से 60 डेसिबल। और सोते हुए व्यक्ति को जगाने के लिए 50 डेसिबल का ध्वनि जो है पर्याप्त होती है। 80 डेसिबल के शोर में लगातार रहना हानिकारक सिद्ध होता है। और 90 डेसिबल किसी शोर को बर्दाश्त करने की अधिकतम सीमा है। 33 नंबर है, किस स्तर से अधिक की मतलब कि कह सकते हैं किस डेसिबल से अधिक की ध्वनि हानिकारक ध्वनि जो है प्रदूषक कहलाती है? तो आपको मालूम है बताइए, इसका सही जवाब है 80 डेसिबल। 80 डेसिबल से अधिक की ध्वनि जो होता है हानिकारक होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है। और 34 नंबर है, मनुष्यों के लिए मानक ध्वनि का जो स्तर है कितना है? तो 60 डेसिबल। 35 नंबर क्वेश्चन है, एक मजदूर रेल के पटरी पर कार्य कर रहा था। एक लड़का कुछ दूरी पर अपने कान पटरियों पर रखकर जब मजदूर के द्वारा की जाने वाले हथौड़े की आवाज को सुनता है तो उसे दो बार आवाजें सुनाई देती है, इसका क्या कारण है? इसका कारण है ध्वनि का वेग इस्पात में वायु की अपेक्षा अधिक है, ध्यान रखिएगा। देखिए ध्वनि का जो वेग होता है ठोस में गैस की अपेक्षा अधिक होता है। ध्वनि का वेग इस्पात में अधिक होता है जिसके कारण रेल के पटरी से होकर ध्वनि पहले पहुंचेगी फिर बाद में वायु से होकर, इसलिए उससे उस बच्चे को जो है दो बार आवाज सुनाई देती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 36, जब सितार और बांसुरी पर एक ही स्वर बजाए जाएं तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का जो भेद है निम्नलिखित में अंतर के कारण किया जाता है, किस कारण अंतर किया जाता है? तो सही जवाब होगा क्वालिटी, केवल ध्वनि गुणवत्ता के आधार पर। ध्वनि की गुणवत्ता जो है ध्वनि मतलब कि जो ध्वनि की क्वालिटी है इसमें ध्वनि में उपस्थित सन्नादि और अधि स्वरों की संख्या उनका परस्पर महत्व आदि अवयवों पर निर्भर करती है। सितार और बांसुरी पर एक ही बार स्वर बजाए जाने की स्थिति में उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद ध्वनि के गुणवत्ता के कारण पहचाना जा सकता है। 37 नंबर है कथन ए, अनुरणन जो कथन है इसमें दिया गया है अनुरणन विशेषतः बड़े गिरजाघरों तथा अन्य बड़े भवनों में प्रतीत होती है। और कारण आर, दीवारों छत और धरातल से अपवर्त्य ध्वनि परावर्तन हो सकता है। तो बताइए इसमें कौन सा मतलब ए या आर दोनों सही है, या ए सही है आर गलत है, या दोनों सही है? तो देखिए ए आर दोनों सही है और आर ए की सही मतलब की व्याख्या भी कर रहा है। देखिए जब किसी बंद हॉल में ध्वनि उत्पन्न की जाती है तो हॉल की दीवारें
जो होते हैं और छत जो होते हैं, इनसे क्रमिक परावर्तन के फलस्वरूप स्रोत के बंद हो जाने पर भी हॉल में कुछ समय तक ध्वनि बनी, मतलब कि बनी रहेगी, सुनाई देगी, उसे अनु मतलब कि अनुरणन कहते हैं। ठीक है, थोड़ा सा हिंदी का टर्म है, थोड़ा सा अजीब का है। क्वेश्चन नंबर 38 है, निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है। पहला कथन है, विस्तृत रूप से प्रयुक्त संगीतिक स्वरग्राम जिसे द्विटोनी स्वरग्राम कहते हैं, सात आवृत्तियों वाला होता है। दूसरा, स्वर सा की आवृत्ति जो है 256 हर्ज होती है और स्वर नी की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। बताइए दोनों में से कौन सा सही है? तो दोनों में से कोई सही नहीं है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। कैसे? देखिए, सांगीतिक स्वरग्राम आवृत्तियों की एक श्रृंखला है जिन्हें एक के बाद एक बजाए जाने पर कानों को सुखद, मतलब कि सुखद यानी खुशनुमा अनुभूति होती है। इसमें निम्नतम आवृत्ति के मुख्य स्वर यानी जो की नोट होते हैं कहते हैं, मतलब की नोट कहा जाता है जो इनके इनमें जो इसमें निम्नतम आवृत्ति को जो है क्या कहते हैं, की नोट। इसके बाद उच्च आवृत्ति मुख्य स्वर से एक निश्चित अनुपात में होती है, उच्चतम आवृत्ति को अष्टक कहते हैं, ठीक है, ऑक्टेव। और एक सरलतम सांगीतिक स्वरग्राम द्विटोनी स्वरग्राम है। इस स्वरग्राम में मुख्य स्वर और उसके अष्टक सहित आठ आवृत्तियां होती हैं। साधारणतः मुख्य स्वर की आवृत्ति जो होती है 256 हर्ज और उसके अष्टक की आवृत्ति 512 हर्ज होती है। भारतीय संगीत पद्धति में आठ टोन और उनकी आवृत्तियां जो है हर्ज में इस प्रकार है, सा का जो आवृत्ति है 256 हर्ज, रे का 288, गा का 320, मा का सा रे गा मा पा दा नी सा, इस तरह से जो आवृत्ति है आप देख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 39 है, निम्न में से किसकी तरंग लंबाई जो है सबसे अधिक होती है? किसकी तरंग लंबाई सबसे अधिक होती है? सही जवाब होगा रेडियो तरंग का। विद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम में शामिल विभिन्न विकिरणों का तरंग दैर्ध्य के संदर्भ में आरोही में कभी कभी मतलब कि कंफ्यूज हो जाता है लोग, तो देखिएगा अवरोही और आरोही में कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। जहां भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, आपके जो डाउट होंगे क्लियर किया जाएगा। तो जल्दबाजी में कभी कभी मेरे से भी गलती हो जाता है कि अवरोही के जगह आरोही और आरोही के जगह अवरोही मतलब कि उच्चारण हो जाते हैं, तो इसको आप लोग मतलब माइंड मत करिएगा, आप लोग ध्यान से इस चीज को देखिएगा। देखिए जो जो कह सकते हैं जो कि जो तरंग दैर्ध्य है इसके संदर्भ में अगर अवरोही क्रम में इन्हें अगर डिस्कस किया जाए तो सबसे पहले आएगा रेडियो तरंग, इसके बाद माइक्रोवेव, औरक्त विकिरण, दृश्य प्रकाश, प्रावैगनी विकिरण और एक्स किरण, और इसके बाद गामा किरण। रेडियो तरंग की तरंग दैर्ध्य सर्वाधिक और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होती है, ध्यान रखना है। जो रेडियो तरंग है इसका तरंग दैर्ध्य सबसे ज्यादा और गामा किरणों की तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, तो अवरोही क्रम में आपको जो क्रम है याद रखना है। और 40 नंबर क्वेश्चन है, एक टीवी सेट को चलाने के लिए निम्नलिखित में से किस एक का टीवी रिमोट नियंत्रण इकाई के द्वारा प्रयोग किया जाता है? जो टीवी सेट है इसको चलाने के लिए जो आप रिमोट का प्रयोग करते हैं उसमें किस प्रकाश का प्रयोग किया जाता है, किस तरंग का? तो बताइए इसका सही जवाब होगा रेडियो तरंग का। बहुत बार यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देखिए टीवी के जो रिमोट होते हैं इनके नियंत्रण इकाइयों में अधिकतर औरक्त विकिरण का प्रयोग करते हैं किंतु कुछ में रेडियो तरंगों का प्रयोग करते हैं। इंफ्रारेड एक विद्युत चुंबकीय विकिरण है, तो ध्यान रखिएगा रेडियो तरंग और इंफ्रारेड मतलब कि जो तरंग है इनका दोनों का जो प्रयोग जो होता है टीवी के रिमोट के नियंत्रण में होता है, यानी जो टीवी के रिमोट होते हैं इनमें दोनों तरंगों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। ज्यादातर किसका? औरक्त का, और मतलब कि कुछ में रेडियो तरंगों का भी प्रयोग होता है। 41 है, सामान्य टीवी रिमोट कंट्रोल में उपयोग की जाने वाली जो तरंगे होती हैं कौन सी तरंगे होती हैं? तो औरक्त किरणें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 42 है, टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए किस प्रकार के विद्युत चुंबकीय विकिरण का उपयोग किया जाता है? तो सेम क्वेश्चन है और रक्त किरण का। और नेक्स्ट क्वेश्चन है 43, ये भी सेम क्वेश्चन है, कौन सा विद्युत चुंबकीय विकिरण टेलीविजन के दूरस्थ नियंत्रण के लिए प्रयोग में लाया जाता है? तो साफ से मतलब साफ साफ अगर आपसे बात किया जाए तो
जाहिर सी बात है कि टेलीविजन में जो रिमोट होता है, जो कंट्रोल के लिए आप रिमोट प्रयोग करते हैं टेलीविजन को चलाने के लिए, उस रिमोट में जो तरंग प्रयोग होता है वो होता है औरत। ठीक है, तो मतलब कि क्लियर कट ध्यान रखना है। 44 है, टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में किस प्रकार की वैद्युत चुंबकीय विकिरण प्रयोग में लाई जाती है? तो टेलीविजन ग्राही के दूरस्थ नियंत्रण में सेम क्वेश्चन है, सिर्फ लैंग्वेज को इधर उधर किया गया है। तो जो आप टेलीविजन को चलाने के लिए जिस रिमोट का प्रयोग करते हैं, उसमें जो मतलब कि जो किरण होता है, जो मतलब कि तरंगे होता है, वो होता है औरत तरंगे। ठीक है, इंफ्रारेड वेव। 45 है, जब टीवी का स्विच ऑन किया जाता है तो श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्यान रखिएगा, जब आप टीवी का स्विच ऑन करेंगे तो सुनाई और दिखाई दोनों एक साथ शुरू होता है, न कि मतलब कि कुछ मिनट के या कुछ सेकेंड के अंतराल पे, ऐसा नहीं होता है, दोनों साथ शुरू होते हैं। टीवी का देखिए, स्विच ऑन करने पर श्रव्य और दृश्य दोनों एक साथ शुरू होते हैं। ध्वनि के प्रकाश की अपेक्षा कम वेग से चलने के कारण ध्वनि बाद में सुनाई पड़नी चाहिए, किंतु टेलीविजन में ऑडियो सिंक्रोनाइजर लगाकर इस त्रुटि को जो है दूर किया जाता है। तो इसका इस यंत्र का नाम याद रखिएगा, ऑडियो सिंक्रोनाइजर। क्वेश्चन नंबर 46 है, दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है आयाम मॉडुलन के द्वारा। जो आयाम मॉडुलन है, इसके द्वारा दूरदर्शन प्रसारण में चित्र संदेशों का संचरण होता है। देखिए, दूरदर्शन प्रसारण में ध्वनि संचरण के लिए आवृत्ति मॉडुलन तथा चित्र संदेशों के संचरण के लिए जो है आयाम मॉडुलन का जो है प्रयोग किया जाता है। 47 है, टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को टेलीविजन प्रसारणों में श्रव्य संकेतों को प्रेषित करने के लिए प्रयुक्त तकनीक कौन सा है? तो आवृत्ति आरोपण। और 48 है, मतलब कि एक रेडियो स्टेशन से 30 मीटर बैंड पर प्रसारण प्राप्त होता है, इस स्टेशन के द्वारा प्रेषित वाहक तरंगों की आवृत्ति कितनी होगी? तो देखिए, 10 मेगाहर्ट्ज। कैसे? सूत्र है एन बराबर सी बाई आई। आई क्या है? मतलब कि एक तरंग दैर्ध्य को सूचित करता है, सी प्रकाश के चाल को और एन आवृत्ति को। तो देखिए, जो सी है इसमें, इसका जो मतलब कि जो सूत्र है, इसके अनुसार 3 × 10^8 जो होता है इसका चाल होता है / 30। ठीक है, कितना दिया गया है? 30 मीटर। ठीक है, और इसके बाद जब इसको मल्टीप्लाई करिएगा तो क्या आएगा? 10 मेगाहर्ट्ज। ठीक है, तो सूत्र को ध्यान रखिएगा। 49 है, कथन ए है, रेडियो तरंगे चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती हैं, कारण क्या है? रेडियो तरंगों की प्रकृति जो है विद्युत चुंबकीय है। तो रेडियो तरंगे जो है चुंबकीय क्षेत्र में बंकित हो जाती है, कारण है कि रेडियो तरंगे की जो प्रकृति है विद्युत चुंबकीय। क्या यह सही है? तो देखिए, ए गलत है परंतु आर सही है। ठीक है, देखिए, कथन गलत है, कारण सही है, क्योंकि रेडियो तरंगे है, जो रेडियो वेव्स है, विद्युत चुंबकीय प्रकृति की होती है, वे सामान्यतः चुंबकीय और वैद्युत क्षेत्रों से अप्रभावित रहती है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और इसके बाद आज का सेशन जो है यहीं पे समाप्त होता है। नेक्स्ट सेशन में हम लोग विद्युत धारा से स्टार्ट करेंगे। जो लोग टेलीग्राम चैनल और टेलीग्राम ग्रुप क्विज ग्रुप को ज्वाइन नहीं किए हैं, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, आप ज्वाइन कर लीजिए, आपके लिए बेनिफिट होगा। और आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, कोई भी डाउट हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।